शूज़ को भी धोना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और आज संडे है तो फिर इसे धो ही लेते हैं। क्या हुआ अंकल, बड़ा जल्दी में? सारा किचन सैंडे भी मैंने पूरा साफ कर दिया है, काफी क्लीन है। बेडरूम मैंने मैनेज कर दिया। सो गाइस, आग जो है वो दूसरी बार आज फिर लग गई थी, तो इसका जुगाड़ सैंडे भी कर रहे हैं, पाइप बीच से काट रहे हैं। सो गाइस, ये पाइप को जो है इसको कट कर देते हैं इतना पार्ट, एंड इतना पार्ट कट करने के बाद उसको फिर वहां से ही अटैच कर देंगे, और इसके लिए क्लिप भी ले आएंगे। सो गाइस, ध्यान से देखो ये पाइप के अंदर क्या होता है। ये पाइप है, एंड इसमें ये ऊपर इसके अंदर ये देखो एक वायरिंग टाइप की हुई है लोहे की। ये देखो ध्यान से, ये लोहे की वायरिंग टाइप की हुई है, एंड ये इसके ऊपर रबड़ लगा हुआ है। ये देखो ये पूरा हट जा रहा है, ये वायरिंग हुई है। ये देखो पाइप के अंदर ऐसी वाली तार होती है, देख रहे हो, तब जाके पाइप ये जो होता है फुली प्रोटेक्टेड होता है। एक्सपेरिमेंट कर दिया हम लोगों ने भाई ये सड़े हुए चाकू से इस तार को काटना। मेरे पास कुछ और इक्विपमेंट नहीं है, इस वजह से इसको ऐसे ही काटते हैं। तो गाइस, पाइप जो है ये पूरी कट गई है, लेकिन ये जो तार है ये नहीं कट रहा है। जी जी जी, इसीलिए मैंने ये पाइप आगे काट दी, ये लोहा बच गया था, तो वही मैं आवाज सुना था, मैं खाचा पूछ लेता हूँ। संभाल के काटना, देखो हाथ ना कटे। धन्यवाद। सोसाइटी में नीचे काम चल रहा था, और आवाज़ सुन के मैंने ये पता लगा लिया कि कहीं कटर का काम चल रहा है, एंड ये जो पाइप है ये बहुत ही सही जगह से कट गई है। अब सैंडी भी इसे जोड़ दीजिए, कट गई, काटा है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज आयुष, एंड यू आर ट्यूनिंग टू मिस्टर मैन, एंड हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। मैं हैप्पी संडे इसलिए बोलता हूँ क्योंकि संडे जो एक ऐसा दिन है, उस दिन मैं आदमी पर्टिकुलर अपना सारा काम हम स्टॉप करके सिर्फ इन्जॉय करता है। तो मैं चाहता हूँ कि संडे जो है वो काफ़ी हैप्पी बीते। भाई सैटरडे को आदमी मेहनत करता ही रहता है, संडे में भी इंजॉय नहीं करेगा तो क्या। तो अपनी गुड मॉर्निंग हुई काफ़ी शांति से, गुड मॉर्निंग होने के बाद उसके बाद मैंने अपने शूज़ धोए, फिर रूम पूरा जो है साफ ऑफ किया गया, एंड सैंडी भी मैंने पूरा किचन जो है ये साफ कर दिया। बट प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ पाइप की आ गई थी, और मैंने मार्केट से अंडा ले आया, और इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा हुआ था तो वो भी मैंने पे कर दिया, जूते भी धो दिए, तो इतना सारे काम जो है मैंने कर दिए। अब बचा है नहाना, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट जाना, 3-5 वहाँ पर भी देखते हैं क्या करना है, और मैं अपना जो है मैं अपना मोनोपॉड जो है वो अपने ऑफिस में ही भूल गया हूँ, तो वो भी जाएंगे लेंगे मोनोपॉड, एंड फिर अच्छे से ब्लॉक करेंगे। ऐसे बने रहिए मेरे साथ संडे में, और इंजॉय करते रहिए भाई साहब। उनको डर लग रहा है, उन्होंने वो वाला गैस ऑन किया, ये वाला नहीं। किचन में बन रहा है अभी अंडा करी, सैंडी भी बना रहे हैं, तो बहुत दिन बाद नाश्ते में कुछ अच्छा मिलेगा। नाश्ता नहीं, खाना नाश्ता क्या है पता नहीं। वैसे तो नाश्ता का टाइम स्किप हो चुका है, क्योंकि 8:20 पे तो मेरी सुबह हुई है, और अब जो है जो बनेगा जैसा ही बनेगा वही खा के बस निकलना है जल्दी से। और फिर निकलना कहाँ है, थोड़ी सी ऐसे ही मौज करनी है। सो गाइस, नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई संडे को एक और, कि हम लोग एग करी बना रहे थे, लेकिन हम लोग को टमाटर और मर्चा रूम में था ही नहीं, इसका होश ही नहीं था। तो अब जल्दी चलते हैं, टमाटर लेते हैं, मर्चा लेते हैं, और मसाला लेते हैं, और उसके बाद फिर मिलते हैं। देखिए भैया और लाए, चुन चुन के टमाटर ले रहे हैं गाइस। अब देखिए भैया, अब देखिए धनिया मिर्चा एडिशनल है, लीजिए भैया 12 रुपए में। सो गाइस, इधर जो है टूर्नामेंट चल रहा है, ये देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। संडे भैया बनेगा अंडा करी। So guys, ये देखो ग्रेवी एकदम मस्त बनी है। So guys, तीनों चीज रेडी हो चुकी है, ये रही रोटी, ये रही एग करी, और ये रहा चावल। तो तीनों चीज रेडी हो चुका है, अब बस है खाना। और ये देखो नंगू पुंगू ऐसे ही घूम रहे हैं, सुबह से ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो सारा काम हम कंप्लीट करके संडे अपना जो है स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट तो वैसे शुरू से ही हो चुका है, लेकिन अब जो है बस खा पी के और दिन को और कंटिन्यू करते हैं। ये रोटी, ये रहा अंडा करी, एग करी, वाओ, और इसमें है चावल। तो भाई साहब तीनों चीज़ रेडी हो चुकी है, वाओ, तो अभी आ रही है।
जितने भी बैचलर्स हैं उनकी प्लेटिंग ऐसे ही होती है, तो प्लेटिंग को ध्यान मत देना, टेस्ट जो है इन्होंने बनाया है, ये शेफ है अपने आके, तो एक नंबर का खाना बना होगा। और स्मेल जो है वो काफ़ी वाह आ रही है। सब्जी इतनी स्पाइसी लग रही है कि इनको पसीना आने लगा, पसीना दिखाइए भाई ये कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी है जो है, ये इतनी स्पाइसी लग रही है कि इनके सर पे एकदम पसीना पसीना हो गया है। एंड मुझे जो है उतनी स्पाइसी नहीं लग रही है, मेरा तो चल जा रहा है, लेकिन संडी भैया का हाल एकदम जो है पस्त हो चुका है, नाक भी बह रही है। अच्छा खाना खा लूं और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बढ़िया नींद चाहिए होती है, तो अभी मेरे को हल्की हल्की नींद आ रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा ठंडी लग रही थी। सैंडी भैया को इसी वजह से छत पे आए और ये अभी अपना कपड़ा वपड़ा जो है छत पे लेके आए हैं, छत पे कपड़े धोएंगे। ये देखो गाइस जूते सूख रहे हैं और इस पे ये देखो स्पाइडर व्हाइट कलर का, मेरे बाप रे मैं स्पाइडरमैन ना बन जाऊं। और बच्चे लोग जो है संडे एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और उधर जो है अभी दिखाया था आप लोग को टूर्नामेंट चल रहा है, लास्ट 3 दिनों से टूर्नामेंट चल रहा है, पता नहीं है कैसा टूर्नामेंट है। सो गाइस आज है 14 फरवरी और आज जो है आशिकों का दिन है और उनकी आशिकियों का दिन है, तो आज के दिन अपने अपने वैलेंटाइन को लोग गिफ्ट देते हैं, प्रपोज करते हैं और बाकी वगैरह वगैरह क्या क्या करते हैं, पता नहीं मेरी वैलेंटाइन कहाँ है। सो अभी तो मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मेरा कोई वैलेंटाइन वाला कोई सीन नहीं है, बस ऐसे ही जिंदगी कट रही है। और आज के दिन 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, आप सब लोग जानते हो, तो आज मैंने अपने व्हाट्सएप को सुबह सुबह ओपन किया तो स्टेटस पे क्या देख रहा था, पुलवामा अटैक और वैलेंटाइन, तो स्टेटस पे सबके यही लगा हुआ है। तो जितने भी हमारे आर्मी के जवान जो थे शहीद हुए, अप्रॉक्स 40 के आसपास शहीद हुए, अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उनके लिए 2 मिनट का टाइम निकाल के दिल से प्रे कर लेते हैं एंड सपोर्ट इंडियन आर्मी। 26 जनवरी वाले अपने ब्लॉग में मैंने ये बोला था कि कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब सपोर्ट तो करते हैं ठीक है, बट वो जो है कहीं ना कहीं उनको फायदे के नज़रिए से भी देखते हैं, क्योंकि आर्मी वालों को छूट बहुत ज़्यादा मिलती है, उनके कैंटीन्स अलग होते हैं, तो उन चीज़ों का प्रॉफिट भी बहुत लोग उठाते हैं, तो ये ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, बट द थिंग इज कि आप अगर दिल से रिस्पेक्ट कर रहे हो तो वो चीज़ दिखनी चाहिए, ना कि सिर्फ यूज़ करो ठीक है। अगर आपके घर में या फैमिली में कोई है देन इट्स ओके, बट यूज़ करने के पर्सपेक्टिव से नहीं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करने के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और उन्हें सपोर्ट किया जाए। सो अभी चल रहा है कपड़ा धुलाई प्रोसेस यहाँ पे सैंडी भैया का, ये यहाँ पे कपड़ा वपड़ा धोने का सारा प्रक्रिया कर रहे हैं। एंड अब ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्या ही बताएं। सो गाइस अपना भी बचपन कुछ ऐसा ही था जैसे ये बच्चे अभी खेल रहे हैं सारे बॉल से, हम लोग भी कॉलोनी में अपने ग्राउंड में आके सारे बच्चों के साथ ऐसे ही मस्ती करते थे।